गाइस अपने आलू भी निकलने शुरू हो चुके हैं, अब छीलेंगे, अब ये छीलेंगे। मॉर्निंग, कैसे आप लोग? मैं चीनू और आप देख रहे हैं चीनू के ब्लॉग। सो गाइस अभी मेरे दोस्त की कॉल आई है अमृत की, मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और अब चलते सीधे ऊपर। उसने बोला है कि दो मिनट ऊपर आ, तेरे को कुछ बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, तो ऊपर चलते हैं। फाइनली मेरे दोस्त की जो कॉल आई थी ना, जो मैं नीचे बता रहा था अमृत की, तो भाई ऊपर पूछा घर पे, तो देखो ये क्या कर रहा है, पराठे वराठे के सेटअप कर रहे हैं क्या? आलू के पराठे बना रहा। मेरे को तो ये भी नहीं आता आलू के पराठे का, तो लगा पड़ा सब में खटर पटर में। मेरा मूड नहीं है सब खाने का। आलू डाल रहा हूँ, देखते कितनी पिट्ठी बनती है, देखते कितनी पिट्ठी बनती है। चलो भाई आज हम आपको कुकिंग सिखाएंगे आलू के पराठे बनाने। देखो भाई, सबसे पहले कुकर में आलू डाल के, हाँ, और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालते सर। आपने दो चार अवार्ड भी जीते ना, है ना? हाँ, इसको कुकर में, कई लड़कियों को कुकर नहीं मत करना आता, इसको आता है। देखो अपनी पहली सीटी भी बच चुकी है। तो गाइस आप जब तक क्या कर रहे हैं आप हमें ये बताएं अमृत सर। भाई जब तक सीटियां बज रही हैं तब तक मैं सब्जी काटूंगा, धनिया प्याज। सही। तो गाइस फाइनली हमारे प्याज धनिया मिर्ची आलू फूलू सब हो चुका है। आलू ये रहे, प्याज ये रही और धनिया मिर्ची भी सब आलू तो निकालते हैं। अब आलू निकलना शुरू होंगे बाहर, तो पहले हमें थी। तो गाइस जैसे कि फाइनली अभी हमारी सारी की सारी कुकर की गैस निकल चुकी है और अब निकलने बाकी है आलू। चलो कोई नहीं गाइस, आलू देखो हमारे पूरी की तरीके से अच्छे से 6 के 6 आलू फुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे और छीलेंगे अमृत। गाइस अपने आलू भी निकलने शुरू हो चुके हैं, अब छीलेंगे, अब ये छीलेंगे। तो गाइस फाइनली हमारे सारे आलू अभी छिल चुके हैं और अब हम इससे है ना सारे के सारे आलू को मेल्ट कर देंगे, मैश कर देंगे, मेल्ट के फोड़ देंगे एक तरह से। तो गाइस फाइनली हमारे आलू भी हो चुके हैं और प्याज भी कटिंग हो रही है। अमृत भाई को रोना आ रहा था बहुत, तो इसके वजह से अमृत भाई ने चश्मा लगा लिया। तो गाइस इसमें सब कुछ डल चुका है, मसाले अमचूर सब कुछ डल चुका है। तो गाइस यार अब अपने सारा मिक्सर होएगा, मिक्सर यानी मिक्स हो जाएगा सारा का सारा। फाइनली अपना आटा उटा सब बहुत तैयार है। आटा पहले से गूंदा पड़ा था अपना, आटा अपना पहले से गूंदा पड़ा था, पराठे बनाने है ना। और अब पिट्ठी भी तैयार है, इधर ऑयल भी तैयार है। बेल लिया अपनी रोटी, रोटी बेलने के बाद अब क्या करना आगे सर? सर इसमें डालेगा पिट्ठी। पिट्ठी ये फटेगा तो नहीं ना? सर सॉरी सर, आप तो शेफ हो सर, आपको कैसे हम उल्टा बोल सकते हैं? ये शेफ है राजा गार्डन के, राजा गार्डन के नहीं पंजाबी। तो गाइस अपना पराठा भी तैयार है, जो बड़ी मेहनत से किया यार अपने, तो सर शेफ है। तो बस पराठा बन गया है और कहीं से भी फटा नहीं है, अपना तवा भी फुल गर्म है। ये कहना चाह रहा है कि मेरे ऊपर पराठा रखो। सर आप डर क्यों रहे हो? आप तो शेफ हो सर, आप डर क्यों रहे हो सर? स्टाइल तो दिखाओ, स्टाइल। अब इसको हवा में उड़ा के दिखाऊंगा सर। सर जरूर सर, सर देखो तो ओ सर 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 मैं फैन हो गया आपका सर। तो तेल लगा दिया भाई साहब ने। गाइस अपना फाइनली पराठा रेडी है और उतरने के लिए भी रेडी है, तो इस पर रखा जाएगा। चलो भाई शुरुआत हो गई है, तो अब नेक्स्ट बनने के लिए तैयार है। गाइस फाइनली अपने पराठे बन के तैयार है और दही भी आ चुकी है। ये देखो दही, और ये दही भी डलनी शुरू हो चुकी है, अभी हम नहीं दिखा रहे। सो गाइस अपने पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम करते हैं टेस्ट, चख के देखते हैं हम इसे, चख के देखते हैं। पहले हमने तो ये दही में कुछ मसाले डाले हैं, दही में भी मसाले। चलो मिक्स करके इसको खा के देखते हैं कैसा होता। चलो गाइस अब गाइस बताइए कैसा बना है। ओके यार ओके यार, तो एक और आए ये भी खा के देखेंगे। आलू के पराठे चिराग भाई हमने तो टेस्ट कर लिया, अब तू भी करके देख। जरूर क्यों नहीं करेंगे, कैसा बना? मजा आ गया गाइस, आप भी टेस्ट करके देखो। बेकार भी बना हो तो तब भी बोल दे अच्छा। गाइस को भी टेस्ट कराओ, गाइस आप भी टेस्ट करो, घर तक नहीं पहुंचाएंगे। फाइनली अभी मैं अमृत के घर से आ चुका हूं और आने के बाद भाई मेरा तो फुल पेट वेट फुल भर रखा है, तो मैंने घर पे आके कुछ भी नहीं खाया। सो गाइस अभी मैं सीधा सो जाऊंगा भाई, मेरे को तो फिर वीडियो एडिट करनी है, अपलोड भी करनी है, तो इसकी वजह से गाइस मैं इस ब्लॉग को करता हूं एंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।